सुनिए मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, आप चलिए। अरे ऐसे कैसे टाइम खत्म हो गया, अभी अभी तो आई है यार, अभी तो हमने नाश्ता भी नहीं किया। अभी नहीं, ये कब की आई हुई है यहाँ पे? इन्होंने कितनी रिक्वेस्ट की थी तब जाके इनको नाश्ता देने का चांस मिला था, पर आपने इन्हें यहीं बिठा लिया है। यार अभी अभी तो आई है, अभी कैसे जाना है यार। एक काम करो, इनको भी मेरे साथ अंदर बंद कर दो। पर किस जुर्म में? झूठ बोलने के जुर्म। अरे इन्होंने मुझे मिस किया, लेकिन ये कहती हैं कि इन्होंने मुझे मिस नहीं किया। सॉरी, वो कुछ भी बोल रहा है। मैडम चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया है मिलने का। तो सुनो, नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो अपने 2 साल पहले वाली फोटो लेकर आना। 2 साल पहले वाली फोटो? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें तो कुछ दिखाना है। 2 साल पहले वाली फोटो पे क्या दिखाना है? ये कि 2 साल पहले तुम कितनी अजीब सी दिखती थी, मुझसे शादी करने के बाद कितनी प्रिटी लगने लगी। मैं पहले अजीब दिखती थी? अच्छा, तो तुमसे शादी होने के बाद ऐसी दिखने लगी? ऑफ कोर्स, मुझसे शादी करने के बाद ये ग्लो आया ना तुम्हारे चेहरे पर। ये कोई ग्लो नहीं है, पसीना है। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम से खाना खा लेना। हाँ ओके, थोड़ी देर बाद आकर मिलती हूँ। प्रीता, आई मिस यू। मुझे ना तुम्हारी बात ही डाइजेस्ट नहीं हो रही, गले से नहीं उतर रही मेरे। क्या बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्या गले से नहीं उतर रही है बात? मैं बता रही हूँ ना, मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा है और सोचकर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अक्षय के खून में मेघा का कोई ना कोई रोल तो जरूर है। तुमने पूरी रात में सिर्फ यही सोचा? यह तुम्हारा डिटेक्टिव वाला दिमाग नहीं। याद करो रुचिका ने क्या बोला था कि अक्षय का खून किसने किया? मेघा ने बोला था ना उसने ऐसा। अभी भी तुम यही बोल रहे हो कि मेघा का कुछ रोल होगा, मेघा का कुछ रोल है, पूरी रात में ये सोचा। अरे यार तुम कितना बोलते हो यार, मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स वाले बोलते हैं कि तुम कितनी पकड़ पकड़ करती रहती हो, लेकिन तुम्हें किसने कहा है कि तुम कितना ज्यादा बोलते हो? इतना ज्यादा बोलते हो कि मुझे अपनी बात बोलने नहीं देते हो। ठीक है तुम बोलो अपनी बात पूरी करो, मैं चुप रहता हूं, बोलो। देखो मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा है, मुझे पता है रुचिका ने क्या कहा था उसने कि अक्षय का खून मेघा ने किया है, पर हमने उसकी बातों को मान लिया। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रुचिका बोलेगी कि मेघा अक्षय की खूनी है तो हम उसकी बात मान लेंगे, हमने उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं की। हमें क्या पता कि वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो कोई कहानी बना रही है हमें। यार सर मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है मैम। क्या गड़बड़ है बताओ, क्या गड़बड़ लग रही है? मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे ना करण जीजू से मिलना है, क्योंकि मुझे उनको बताना है कि उनका छोटा भाई कितना बड़ा स्टूपिड है। नहीं नहीं मुझे मेरे भाई से मिलना है, और ये बतानी जो लंबी सी उनकी फैन है ना, बहुत चपड़ चपड़ करती है। चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या मैं चुप रहा हूँ यार? एक तो इसने मुझे चुप करवाया, ऊपर से तुराने साहब आप भी मुझे चुप करा रहे हो। मैं ना करण जीजू को आप दोनों की कंप्लेंट कर दूंगी, पहले बता रही हूँ। इसको छोड़ो, देखो मुझे मेरे भाई से मिलना है, मैं उनका भाई हूँ, मेरा हक बनता है ना भाई से मिलने का। यार साहेब की बात नहीं सुनना, मैं उनकी साली हूँ, साली मतलब आधी, मेरा मतलब है फैमिली, फैमिली हूँ, मुझे पहला मौका मिलना चाहिए उनसे। समीर दी, भाभी तुम लोग यहाँ? दी प्लीज अपने इस देवर को समझा दो कि मुझसे तमीज से बात करे। अभी प्लीज इसको समझा, मुझसे थोड़ा तमीज से बात करे प्लीज। रियली तुम प्लीज प्लीज कर रहे हो? तुम्हारी भाभियाँ इसकी साइड नहीं लेना मेरे सामने में, मेरे पता है। देखा है किस तरह मुझसे बात करी भाभी, देखा। समीर इसका कहने का वो मतलब नहीं। अभी आप ही इसकी साइड दे रही हो। अरे तो मेरी बहन है, मेरी साइड लेगी, और किसकी साइड लेगी? हाँ तुम्हारी साइड लेगी। अरे अरे क्या कर रहे हो पुलिस स्टेशन? सॉरी सॉरी भाभी, अरे सॉरी यार। अब समझ में आया तुम्हें? क्या करने आए हो यहाँ? पुलिस स्टेशन है, लड़ाई झगड़ा करने आए हो क्या? नहीं दी, करण जी उसे मिलने आए थे।
हाँ भाभी, हम दोनों करण भाई से मिलने आए थे। पुलिस स्टेशन में थोड़ा झगड़ा करना चाहते हैं, है ना सिस्टी? हम तो बातें कर रहे थे ना ऐसे। हाँ बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे, जीजू से मिलने की बातें कर रहे थे। हमें भी जीजू से मिलना है। हम कब से इन लोगों को बोल रहे हैं कि हमें करण जीजू से मिलने दो, लेकिन ये लोग मिलने नहीं दे रहे। मैं वापस दिमाग खाती हूँ। अरे अरे समी, करण ऐसा है, प्लीज प्लीज हमें करण जीजू से मिलने दीजिए। दोनों कितने क्यूट हैं, लड़ते भी हैं, फिर भी एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। पहले करण और मेरे बीच भी तो ऐसा ही होता था। एक्चुअली इनकी जोड़ी भी बिल्कुल हमारी जोड़ी जैसी है। लगता है मुझे घर में मेरे देवर की बारात लेकर आना ही होगा। एक बार करण रिहा हो जाए, उसके बाद इन दोनों की बात करण से करती हूँ। सर तोराने सर, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। आप दी को तो मिलने देते हो, आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? हाँ अरे एक बार बोला ना, तुम दोनों को नहीं मिलने दे सकता मैं। क्यों मैडम, आप दोनों को समझाते क्यों नहीं हो? ये जेल है, कोई गार्डन नहीं। मिलने का टाइम अभी 4 घंटे बाद है। अरे तो पहले बता दे 4 घंटे। मेरी बात सुनो, इसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी करण को मिल के आई हूँ, और अब अगला मिलने का टाइम 4 घंटे बाद ही है। हम कानून को तोड़ तो नहीं सकते हैं, इनके भी रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। कोई बात नहीं, तुम करण से मिलना चाहते हो तो 4 घंटे बाद हम यहीं मिलते हैं, और फिर करण के साथ लंच करेंगे। तब तक मुझे भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं वो कर लेती हूँ। महेश पापा की MRI रिपोर्ट्स लानी है हॉस्पिटल से, मैं जाकर वो लाती हूँ, और तुम मुझे यहीं पर 4 घंटे के बाद मिलो, और फिर हम करण के साथ लंच करेंगे। ओके ठीक है भाभी, हम चलते हैं। क्या बात है महेश जी, क्या सोच रहे हैं आप? राखी जी, पुरानी यादों को ताजा कर रहा हूँ। याद है इस घर से कितनी सारी यादें जुड़ी हैं, आप मैं हमारे बच्चे, हम लोग कितनी धूम मचाते थे यहाँ, खास तौर से करण। जब वो बाहर से आता था क्रिकेट खेल के तो मिट्टी से लथपथ रहता था, और आप उसके पीछे दौड़ती थी कहीं वो पूरे घर को गंदा ना कर दे, और वो दौड़ता दौड़ता सीधा पूल में जाकर छलांग लगाता था, क्योंकि उसे पता था कि आप तैरना नहीं जानती, और मैं डर जाता था कि कहीं ये डूब ना जाए। खैर वो डूबा तो नहीं, लेकिन तैरना सीख गया। राखी जी, उसके बावजूद जितनी बार भी वो कूदता था मैं घबरा जाता था, लेकिन आप हमेशा उसे समझाती थी, लेकिन समझता ही नहीं था वो। आप भी तो उसे समझाते थे कि इतनी छलांग मत लगा, लेकिन वो लड़का सुनता कहाँ था। क्रिकेट खेल के आता था और सीधा डुबकी लगाता था इस पूल में, और उसके पीछे का कारण जो है वो था वो ग्राउंड। आपको पता है ना, बचपन से लेके आज तक करण को अगर किसी चीज का जुनून है तो वो है क्रिकेट। आप उसे मना करते थे, मैं उसे मना करती थी कि पुत्र ना जा क्रिकेट खेलने, लेकिन नहीं, वो तो किसी की नहीं सुनता था, अपनी मन मर्जी करता था और हर रोज जाता था उस ग्राउंड पे, और ग्राउंड के बाद इस पूल में। और जब लड़ाई होती थी तो ऋषभ उसकी ढाल बनके सामने खड़ा हो जाता था, कहता था माँ उसे जाने दो ना, और जब मैं मना करती तो वही ऋषभ कोई बहाना बना के करण को भेज ही देता था क्रिकेट खेलने के लिए। राखी जी, उसी जुनून के कारण आज वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, वरना मैं तो उसे कब का बिजनेसमैन बना चुका होता। आई एम सॉरी राखी जी। सॉरी किस लिए महेश जी? याद है जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति बनके दिखाऊंगा, पर मेरा बेटा मुझे मात दे गया। राखी जी, मैं ये मानता हूं कि मुझसे भी ज्यादा बेहतर अच्छा पति वो बन पाया है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा बेटा करण आपसे बेहतर पति बन गया। अच्छा जी, ये बात आप दिल से कह रही हैं राखी जी? क्या वाकई आपको अच्छा लग रहा है कि आपका बेटा मुझसे भी ज्यादा अच्छा? अच्छा
लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सही सही वक्त पे आई हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ठीक हूँ। अब कब तक? तो बस चाय मैं अंदर पी लूंगा, आप लोग बात कीजिए। भाभी जी, पहली बार मैंने भाई साहब को इतने शर्माते हुए देखा है। मैंने भी इनको आज से पहले ऐसे शर्माते हुए कभी नहीं देखा। राखी भाभी को तो बोलना ही पड़ेगा कि इनकी प्रीता बहू शुभ नहीं है इनके बेटे और इनके घर के लिए। भाभी जी, मैं क्या कह रही थी वो आपको पता? राखी जी, जी आई पम्मी, दरअसल ये मुझे बुला रहे हैं, मैं बाद में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। करीना ना बिल्कुल सही बोल रही थी प्रीता के बारे में। प्रीता अशुभ है इस घर के लिए, और सच में जब से यहाँ आई है ना मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। और भाभी जी, भाभी जी तो फिदा है इस प्रीता। भाभी जी को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं कि ये समझ जाए, इनकी आंखें खुल जाए, ये मान जाए कि सचमुच प्रीता के पैर इस घर में शुभ नहीं है। पर भाभी जी भी ना प्रीता के प्यार में अंधी होगी। अब देखो इसका पूरा पूरा फायदा उठा रही है प्रीता। पता नहीं खुद तो आजाद होके कहीं घूम रही है, सुबह से घर में दिखी नहीं रही है। और इसके चक्कर में करण, बेचारा हमारा करण खुद ही जेल में बंद हो गया। बहुत ही तेज तर्रार और चलाक है ये लड़की। वैसे मैं कौन सी कम हूँ, चलाकी की अम्मा हूँ मैं। करीना आज तक जो नहीं कर पाई ना वो मैं करके दिखाऊंगी। राखी भाभी को प्रीता का असली चेहरा दिखा के ही रहूंगी, फिर देखती वो कहां तक जाती है। क्या हुआ, प्रॉब्लम है? जो तुम नहीं कर पाई वो मैंने कर दिया। हाँ हाँ, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि तुमने अक्षय के साथ धोखे से शादी की है। धोखा? तुम्हारे धोखे से मैंने अक्षय को बचाया है। वो क्या नाम है तुम्हारे बच्चे का? आकाश। आकाश अक्षय का बच्चा है ही नहीं, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने अक्षय के सामने कबूल किया है कि वो बच्चा अक्षय का है ही नहीं। फिर क्या था, अक्षय ने अपना डीएनए टेस्ट करवाया, उसे साबित हो गया कि आकाश तुम्हारा बच्चा अक्षय का है ही नहीं। इसलिए तुम्हारे सो कॉल लेक्चर ना तुम्हारे पास ही रखना, मुझे परेशान मत करो और निकलो यहां से। मानना पड़ेगा। मतलब देखो ना, अक्षय जैसे इंसान को जानने के बाद भी तुमने अक्षय से शादी की, वाह। शट अप रुचिका, जस्ट शट अप। मेरे हस्बैंड के बारे में ना एक शब्द और मत बोलना, निकल जाओ यहाँ से, आखिरी बार बोल रही हूँ, वरना अक्षय के पेरेंट्स को यहाँ बुला लूंगी, उन्हें बताऊंगी कि इस हालत में लड़की मुझे यहाँ परेशान करने आई है। फिर क्या, नफरत करेंगे वो तुमसे। एक्सक्यूज मी, अक्षय के माँ बाप की बात करियो तो बता दो कि वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। और रही बात तुम्हारी धमकियों की मेघा, तो वो अपने पास रखोगी ना तो बहुत बेटर होगा। समझ गई? पर मैंने उन्हें ये बता दिया कि तुम लूथराज के साथ मिलकर मेरे साथ क्या करने वाली थी। तो शट अप मेघा, ये सब रोना धोना बंद करो, तो स्टॉप बीइंग लाइक अ क्राइंग बेबी। आई मीन जेल तो नहीं गई ना तुम, और वैसे भी उन लूथरा को हेल्प करके कुछ पैसे ही तो कमा रही थी। तुम जैसी औरत बीच में आके तुमने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया, तो ये बेचारी बनके एक्टिंग करने की कोशिश भी मत करना। अच्छा, क्या किया तुमने उसके बाद? तुमने मेरा ब्रेसलेट चुराया, और चुरा के तुमने उसे पहन के पृथ्वी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तुम्हें पता भी है तुमने वो ब्रेसलेट कहाँ छोड़ा था? वो सृष्टि के हाथ लग गया था, और सृष्टि मेरे घर आई थी वो ब्रेसलेट देने। फूल, बहुत अच्छा हुआ वो ब्रेसलेट तुम्हारा था ही नहीं। अक्षय ने तुम्हें दिया था ना वो ब्रेसलेट? अक्षय की हर एक चीज पर मेरा हक है रुचिका, फिर उस चीज का मैं कुछ भी करूं, सारी चीजें तुमसे छीन के रहूंगी और तुम देखती रह जाओगी। मेघा, इतना आसान नहीं। आई थिंक अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ अगर तुमने मेरी चीजें चुराने की कोशिश की तो। ऐसी ऐसी सजा दे सकती हूँ ना जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। पहले तुमने मेरा ब्रेसलेट चुराया, तो मैंने तुम्हें अक्षय के मर्डर में इन्वॉल्व किया,
वो तो तुम कोर्ट से भाग गई, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान नहीं दे पाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने करण और सृष्टि से झूठ क्यों बोला कि पृथ्वी को तुम ब्लैकमेल कर रही थी, जबकि पृथ्वी को ब्लैकमेल मैं कर रही थी। अपने स्टोरी पे झट से कोई विश्वास कर लेता है अगर तुम अपनी थोड़ी सी गलती बता दो तो। और अगर मैं ये बता देती मेघा कि मैं बेचारी हूँ और ये मेघा है, ये शैतान है, तो तुम्हें लगता है वो मुझ पर विश्वास कर लेती? बिल्कुल भी नहीं, मुझ पर वो शक कर। मैं अक्षय जैसे लड़के पर अगर प्यार करने का दावा करती और पुलिस को नहीं बताती कोई खूनी है, तो वो मुझ पर शक करते थे मेघा। इसलिए मैंने ये कहानी बना दी। उन लूथरा गैंग को पता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और इसके वजह से मैंने पृथ्वी को ब्लैकमेल किया। बट यू नो व्हाट, अक्षय की खूनी तुम हो मेघा। अच्छा, भूलो मत तुम मेरे घर में खड़ी हो, आवाज नीचे। मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूँ। स्टूपिड लोग ही उनके साथ खड़े होते हैं जो खुद स्टूपिड होते हैं और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। अब अगर तुमने कोई नई गलती की ना, तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। पुलिस को ये बता दूंगी लड़की मेरे घर आकर मुझे हैरेस कर रही थी। ये फालतू की धमकियां मुझे मत दो, समझ गई? ना मैं तुम्हारी धमकियों से डरती हूँ और ना ही धमकी देने वालों से। ये अपनी धमकी अपने पास रखना, लूजर। हेलो, डॉक्टर क्लिनिक में है ना? ओके, मैं आती हूँ। थैंक यू। गुड आफ्टरनून डॉक्टर प्रीता, आप कैसी हो? अच्छी, लॉन्ग टाइम। तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे कैसे आना हुआ? कोई पेशेंट विजिट है क्या? नहीं नहीं, पेशेंट विजिट नहीं है। मैंने तो अभी हॉस्पिटल वापस ज्वाइन नहीं किया ना, इनफैक्ट मैं आजकल प्रैक्टिस भी नहीं कर रही। मैं अपने फादर इन लॉ की MRI रिपोर्ट्स लेने आई, कुछ दिन पहले ही टेस्ट कराया था। प्लीज चेक करके बताओ ना। एक मिनट, मिस्टर महेश। जी डॉक्टर। हाँ जी, बस मैं आ ही रही। थैंक यू, थैंक यू। ये तो मेघा है, यहाँ क्या कर रही है? मेघा ने मारा है। करण ने कहा था मेघा ने अक्षय का खून। ओ गॉड, ये तो कातिल है और यहाँ तक आ गई, पर ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है? जरा तुम देख दो, मैं अभी। मेघा, तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हो, इसे कैसे होगा बताओ? तुम्हें अब अपना पूरा ध्यान रखना होगा, तुम प्रेग्नेंट हो, माँ बनने वाली हो। और अगर इस बार तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलूंगी और उसे सब कुछ बताऊंगी कि तुम कितना स्ट्रेस लेती हो। डॉक्टर, लेकिन आप मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बता पाई। क्यों क्यों नहीं बता पाऊंगी? लाओ मुझे दो उनका नंबर, मैं अभी कॉल लगाती हूँ। नंबर देने से भी क्या होगा, मेरे होने वाले बच्चे के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। I'm really sorry. अभी कैसे बात करूं? यहां से बाहर निकल के बात करती हूं। थैंक यू सो मच। आपके रिपोर्ट्स। मेरा फोन नहीं उठा रही है। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू यू मेघा। शायद ये जानती नहीं है क्यों किसको ब्लैकमेल कर रही है, किसका फोन नहीं उठा रही है। पृथ्वी मल्होत्रा का फोन नहीं उठा रही, पृथ्वी मल्होत्रा को ब्लैकमेल कर रही है। कोई बात नहीं, मेरा मैसेज तो तुम तक पहुंच ही जाएगा। मेघा डार्लिंग, तुम शायद जानती नहीं हो कि तुम किसको ब्लैकमेल कर रही हो। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी, डराओगी, धमकाओगी, तो मैं डर जाऊंगा, तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। सो गलत फहमी मत पालो, वरना तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैंने लूथरा हाउस में सबको बता दिया है,
कि जो ब्लैकमेलर है वही अक्षय का असली किलर है।